प्रसाद योजनेअंतर्गत सोलापुरातील प्राचीन मंदिरांचा समावेश करावा असे खासदार डॉ जय सिद्धेश्वर महास्वामी म्हणाले. पर्यटन मंत्रालयाद्वारे तीर्थयात्रा कायाकल्प आणि आध्यात्मिक सुविधा संवर्धन राष्ट्रीय मिशनच्या माध्यमातून आध्यात्मिक विरासत संवर्धन म्हणजेच प्रसाद योजनेअंतर्गत सोलापुरातील मंदिरांचा समावेश करावा. सोलापूर जिल्ह्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले प्रसिद्ध पंढरपूरचे श्री विठ्ठल मंदिर, अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ मंदिर, सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर मंदिर, हत्तर संघकुंडलचे हरिहरेश्वर मंदिर व तुळजापूर तुळजाभवानी मंदिरांच्या विकासासाठी व तीर्थयात्रेकरूंच्या सुविधेसाठी या प्रसाद योजनेअंतर्गत समावेश करण्याची मागणी खासदार डॉ जय सिद्धेश्वर महास्वामी यांनी केली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शून्य प्रहार काळात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला तसेच पर्यटन मंत्री यांना याबाबतची मागणी खासदार डॉ जय सिद्धेश्वर महास्वामी यांनी केली. माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्रालयाद्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थस्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था. अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया. इसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिन्हित स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान की जाती है. प्रसाद योजना का पूरा नाम तीर्थयात्रा कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान है. मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर में अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल मंदिर हैं. स्वामी समर्थ मंदिर, शिवयोगी सिद्धरामेश्वर मंदिर, पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर. मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूँ, सोलापुर जिला में आने वाले तथा सोलापुर से लगे हुए अनेक प्राचीन तीर्थस्थल का समावेश प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाए. धन्यवाद अध्यक्ष.